इट सो गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टूच एन एवरी वन ऑफ यू आई एम लाइव मैं यहां पर लाइव आ चुका हूं गुड मॉर्निंग स्नेहा गुड मॉर्निंग रिंकी गुड मॉर्निंग इशिका गुड मॉर्निंग शिवम मिस्टर गोल्डन आर्मी गुड मॉर्निंग सर आर प्लेट इन सी ए फाउंडेशन डिसेंबर एग्जाम उसके बाद इतने सारे हार्ट्स और इतने सारे थम्स अप राइट right. uh, ये कौन है जागृति गुड मॉर्निंग पाठक पाठक जी प्रशंसा गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग रिंकी रस्तोगी करिश्मा, करिश्मा मुस्कान, well. बहुत -बहुत स्वागत है आप सबका आज के हम कर रहे हैं ratio, और आज इसका लेक्चर है हम लोगों ने कल से प्रोपोर्शन को स्टार्ट कर दिया था और आज प्रोपोर्शन का दूसरा लेक्चर लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं ठीक है चलिए सर जो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग देख सकते हो हमें चार्टेड अकाउंटेंट मैंने कई सारी किताबें लिखी हैं पेपर थ्री पढ़ाता हूं पेपर फोर पढ़ाता हूँ सी इंटरमीडिएट में ये शेड्यूल है तो सीए इंटरमीडिएट सॉरी सीए फाउंडेशन डिसंबर 23 के लिए रोज सुबह दस बजे यहां पर मेरी क्लासेस होती हैं ठीक है थीके? अब ये इसी यूट्यूब चैनल पर होती है ये लाइव भी हो सकती है रिकॉर्डेड भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन माय अवेलेबिलिटी यूजुअली मंडेज ट्यूजडेज और वेन्सडेज को ये क्लासेस लाइव होती है यूजअली ठीक है और थर्सडेज फ्राइडेज और सैटरडेज को अनकेडमी प्लस पे जो हमारा एकाग्रता बैच चल रहा है उसमें मेरी क्लासेस होती हैं तो आ, न, मैं उसमें इन्वॉल्व रहता हूं तो इसलिए मैं यहां पर ये वाली क्लासेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूं तो मैं रिकॉर्डेड दे देता हूं ठीक है लेकिन रोज सुबह दस बजे आपकी क्लास चलती जरूर है तो अगर आप हंड्रेड लाइव पढ़ना चाहते हो तो फिर आप ये वाली क्लास यहां पर प्लस का एकाग्रता बैच का सब्सक्रिप्शन लेकर ये वाली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और एक नया बैच एकाग्रता टू स्टार्ट होने जा रहा है थर्ड ऑफ जुलाई से तो अगर आप में से किसी ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया तब भी आप वो थर्ड ऑफ लाइव वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो और दिसंबर 23, वाल, 23 वाला दिसंबर 23 वाला अटेम्प्ट अपना दे सकते हो ठीक है तो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस एंड इफ यू यूज माय कोड निشتन तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा ये यहां पर आपको 100% लाइव क्लासेस रेगुलर नोट्स डाउट सॉल्विंग बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें यहां पर मिलती है एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं तो इस तरह से आप लोग यहां पर ले सकते हो ठीक है बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा वर्चुअल लाइब्रेरी पर आपको सभी चैप्टर के डिटेल सेशन मिल जाएंगे लेकिन वो रिकॉर्डेड होंगे लेकिन आप वो भी देख के अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो लेकिन अगर आप लाइव देखना चाहते हो अगर आप चाहते हो रेस्ट्रिक्टेड टेलीग्राम चैनल में आपको एड किया जाए अगर आप चाहते हो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाए अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहते हो अगर आप रेगुलर टेस्ट चाहते हो वगैरह वगैरह अगर आप अपनी प्रिपरेशन

प्रोपोर्शन क्या होता है दो रेशियोज अगर बराबर होते हैं तो उसी को प्रोपोर्शन कहते हैं और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी क्रॉस प्रोडक्ट रूल के बारे में हमने कहा था ये जो बीच वाले दो टर्म्स होते हैं बी और सी इनको मीन्स बोलते हैं ये जो कोने कोने वाले टर्म्स होते हैं ए और डी इनको एक्सट्रीम्स बोला जाता है उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे एकदम स्टेप बाय स्टेप किए थे बड़ा मजा आया था फिर हमने कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के बारे में बात की थी ठीक है कंटिन्यूस प्रोपोर्शन क्या होता है जब यहां पर दो ही टर्म्स होते हैं दो टर्म्स कौन कौन से ए एस टू बी और बी एस टू सी तो ये दो टर्म्स आपकी मीन्स हो जाते हैं तो इसी को एक मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं ठीक है इसी को मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं और इसमें मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि इसको मीन प्रोपोर्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डी की जगह खा जाता है पहले सी को हटाते हैं हैं उसके बाद डी को एकदम बाहर ही निकाल देते तो बड़ा मीन आदमी है ये इन सच केस द मिडिल टर्म बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी और इससे रिलेटेड भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ठीक है उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक कल किया था और आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने जा रहे हैं मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे कल वाली क्लास के कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे लोगों ने होमवर्क uh, के सॉल्यूशंस को कमेंट भी किया था that's, that's so और मेरे को भी पता चलता है कि हाँ मेहनत कर रहे हो आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए बट वीडियो में उतने नहीं है तो आप लोग प्लीज हमस्ट आप लोग वीडियो को कर दोगे तो फिर uh, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है मुझे कॉन्फिडेंस आता है मुझे भी अच्छा लगता है राइट right, फिर मेरे को भी लगता है कि मैं और कुछ और बेहतर आप लोगों के लिए क्या क्या कर सकता हूं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए उससे पुश मिलता है मुझे ठीक है अच्छा सर होमवर्क डन प्रियांशी मोदी कह रही है वेरी नाइस nice, बहुत बढ़िया राइट रिंकी रसोगी कह रही है बाय गाइस मैं रिकॉर्डेड कर लूंगी okay. ओके ठीक है गोल्डन आर्मी सर गुड मॉर्निंग सर आदि प्ले लिस्ट से नफर इस से इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं काजल क्वीन रित, आप कौन से स्कूल से हो साहिल नलवानी भाइयों बहनों अच्छा कुछ आपस में ही बातें चल रही हैं चलो ठीक है तो हम लोग एक काम करते हैं और फटाफट से हम लोग यहां पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन था तो x बाई वाई इज इक्वल टू टू बाई थ्री तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टू इज टू थ्री और y अपॉन जेड इज इक्वल टू फोर इज टू थ्री ये है और आपसे एक्स इज टू वाई टू जेड पूछा है तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था इसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों y's को आपको सेम करना है ठीक है कैसे सेम करोगे इस वाले को फोर से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ट्वेल्व और ये नीचे ये भी क्या हो जाएगा ये भी आपका हो जाएगा ट्वेल्व राइट right? अब आप ये नीचे अगर आपने फोर से किया है तो आप ऊपर भी इसको फोर से कर दोगे यहां पर ऊपर अगर आपने थ्री किया है आप नीचे भी इसको थ्री से कर दोगे ठीक है तो ये हो जाएगा नाइन और ये कितना आ जाएगा टू फोर सा एट तो दिस विल बी एट इस्वि टू नाइन एट इस्व इस क्योंकि एट इस्विस्ट नाइन यहां पर कहीं पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन डी विल बी योर आंसर ठीक है नेक्स्ट If is to What are the values of a d is to b c and a plus c is to b plus d? ठीक है? अब देखो इसका मतलब, upon इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब है कि a की वैल्यू 2.5 है c की वैल्यू भी 2.5 है b की वैल्यू 1.5 है और d की वैल्यू भी 1.5 है ठीक है मैं आपको फिर से बता रहा हूं देखो ए बाई बीवल टू सी बाई डीवल टू टू पॉइंट अपॉन मतलब समझो इसका ए बाई बीवल टू सी बाई डी ठीक है एंड सी बाई डीवल टू टू पॉइंट फाइव बाई वन पॉइंट फाइव मतलब क्या हो गया कि ए बाई बी इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव बाई वन पॉइंट फाइव ऑल्सो सी बाई डी इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव बाई वन पॉइंट फाइव ठीक है अब आपसे वैल्यूज किसकी पूछी है आपसे पूछिए है ए इज टू बी सी की यानी ए अपॉन बी सी आपसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है ठीक है ए डी इज टू बी आपसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है तो ए इनटू डी व्हाट इज ए ए इज 2.5 2.5 इनटू व्हाट इज डी डी इज 1.5 1.5 अपॉन व्हाट इज बी बी इज बी इज बी इज 1.5 बी इज 1.5 इनटू व्हाट इज सी सी इज टू पॉइंट फाइव ये हो गया ये ये गया ये ये गया आंसर आ गया आपका वन ठीक है और फिर आपसे पूछिए ए प्लस सी इज टू बी प्लस डी की वैल्यू ठीक है ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी की वैल्यू ये आपसे पूछी हुई है राइट right? अब वू पॉइंट फाइव प्लस व्हाट इज सी सी इज टू पॉइंट फाइव ठीक अपॉन व्हाट इज बी बी इज वन पॉइंट फाइव प्लस व्हाट इज डी डी इज वन पॉइंट फाइव डी इज वन पॉइंट फाइव ठीक है ये तो ये ये क्या आ आ जाता जाता है है तो ये आ 5 3. तो ये आ गया आपका 1 1, और ये आ गया ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका आंसर हो जाता है राइट आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है बोलो निश्चय निश्चय ठीक नेक्स्ट इफ ए बाई थ्री

एज इक्वल टू बी अपॉइंट टू इज इक्वल टू सी फिर आपसे देखो इसको कैसे करते हैं ये ये आपका है, है. तो इसको आप लोग LCM ले लोगे इसका 5, 2, 10 आ जाएगा, 1, 10, 10, 10 A, नहीं ये बड़ा सिंपल सा है. ये सब करने की कोई जरूरत है नहीं इसमें ठीक है इट्स ए बाई वन इट्स एक्चुअली ए बाई वन इज इक्वल टू बी बाई टू इज इक्वल टू सी बाई फाइव ना तो ए इज टू बी इज टू सी सिंपली आ जाता है इज 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 टू 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 करके ठीक है इज इज टू टू करके ये आपका आंसर आ जाता है इट्स वेरी वेरी सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने ए इज इक्वल टू बी बाई फोर इज इक्वल टू सी बाई सेवन है Then, what is A plus B plus C? अब यहां पर इन लोगों ने जो आईसीए है उसने यहां पर डिवाइडेड बाई तो लगा दिया लेकिन यहां पर ये ब्रैकेट लगाना भूल गए ठीक है तो इसको देखने से लग सकता है कि ये सिर्फ सी अपॉन सी है लेकिन ये कायदे से ऐसा है नहीं ये पूरा का पूरा है तो ये वाला क्वेश्चन आप एम्बिग्यूस मार्क कर सकते हो ठीक है

14 by 7, 7 toos of so 14. Option C will be your answer. I'm sure sir, because समझ में आ गया बोलो. Understand? Forward. Next, इधर देखो. <coughs> ये क्या है? P upon Q is equal to R upon S is equal to 2.5 upon 1.5. तो so same type का question है जो अभी थोड़ी देर पहले किया हम लोगों ने. तो so P by Q is equal to 2.5 upon 1.5 and similarly R by S is 2.5 upon 1.5. ठीक है 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 भी भी वही है, upon और R upon S भी वही और तो अच्छा चाहिए पी एस इज टू क्यू आर की वैल्यू तो पी एस इज टू क्यू आर की वैल्यू आपको चाहिए तो वट इज पी पी एस टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव इन टू वट इज एस एस इज वन पॉइंट फाइव 1.5 पॉइंट

वाई प्लस डब्ल्यू ठीक है तो एक्स क्या है टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव प्लस क्या है टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव अपॉन वाई वन पॉइंट फाइव वट इज डब्ल्यू वन पॉइंट फाइव तो फाइव बाई थ्री फाइव इज टू थ्री ऑप्शन सी इज योर आंसर आई एम श्योर सब समझ में आ गया बोलो ठिष्टे आओ नेक्स्ट ये रहा तो वी एक्स बाई टू इज इक्वल टू वाई बाई थ्री इज इक्वल टू जेड बाई सेवन तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए टू एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फोर जेड होल डिवाइडेड बाई टू वाई ठीक है तो एक्स की जगह टू पुट करो तो आ इंटू टू फिर माइनस 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 फाइव इंटू वाई वाई की जगह थ्री पुट करो माइनस फाइव इंटू वाई प्लस फोर इंटू जेड जेड की जगह सेवन पुट करो डिवाइडेड बाई टू वाई टू इंटू वाई क्या है y हो गया टू इंटू थ्री अब आप आगे देखिए अरे कैलकुलेटर देवता को बुलाना पड़ेगा, मुझे लगा पहले से आए हुए होंगे ठीक है कैलकुलेटर देवता को हम लोगों ने बुलाया ये आ गए, अब देखो आपको करना क्या है डिनोमिनेटर में सिक्स आएगा ऊपर क्या आएगा टू इंटू टू इज इक्वल टू एम प्लस फिर फाइव इंटू थ्री इज इक्वल टू एम माइनस फिर फोर इंटू सेवन

नीशू अनरुद्ध विकी निशू काजल खुशी बहुत बढ़िया बस आप लोग फटाफट से प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए ठीक है आइए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने इफ ए बाई फोर ए बाई फोर इज इक्वल टू बी बाई फाइव इज ईक्वल टू सी बाई नाइन तो आपको चाहिए क्या आपको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी राइट ए की जगह फोर पुट करेंगे बी की जगह पर फाइव पुट करेंगे सी के जगह पर नाइन पुट करेंगे अपॉन नाइन तो फोर प्लस फाइव प्लस नाइन ये आपको देखना होगा ठीक okay? है तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी दिसव प्लस नाइन डिवाइडेड बाई नाइन ये कितना आ गया ये आ जाएगा आपका टू ठीक है दिस विल बी टू तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर नेक्स्ट इधर देखो इफ ए बाई बी इफ ए बाई बी इज इक्वल टू फोर बाई वन देन हमें चाहिए ए बाई बी का स्क्वेयर रूट प्लस बी बाई ए का स्क्वेयर रूट राइट तो ए की जगह फोर और बी की जगह करो फोर अपॉन वन का स्क्वेयर रूट प्लस वन अपॉन फोर का स्क्वेयर रूट राइट तो देखो क्या हुआ फोर अपॉन वन का स्क्वेयर रूट एम प्लस वन अपॉन फोर का स्क्वेयर रूट एम प्लस एमआरसी दिस कम्स टू टू पॉइंट फाइव दिस कम्स टू टू पॉइंट फाइव तो ऑप्शन ए इज योर आंसर फाइव बाई टू इज टू पॉइंट फाइव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेवन रुपीज टू थ्री पार्ट इन फोर को तीन पार्ट में हम लोगों को फोर इज फाइव इज टू सिक्स के पार्ट uh, uh, में डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा सेवन फिफ्टी इंटू फोर अपॉन वॉट फोर प्लस फाइव इज नाइन नाइन प्लस सिक्स इज फिफ्टीन फोर बाई फिफ्टीन ठीक है और दूसरा पार्ट क्या होगा सेवन फिफ्टी इंटू फाइव बाई फिफ्टी फाइव बाई तीसरा पार्ट क्या होगा सेवन फिफ्टी इंटू सिक्स बाई फिफ्टीन सेवन फिफ्टी इंटू सिक्स बाई फिफ्टीन ठीक व्हाट विल दिस बी सेवन फिफ्टी अपॉन फिफ्टीन इंटू फोर कितना आता है दो सौ आ जाता है ठीक है सेवन फिफ्टी बाई फिफ्टी फाइव तो अब आप लोगों ने अगर ऐसे किया सिखाने जा रहा <coughs> होगा हो क्या हुआ कि यहां पर आप ध्यान दोन को ही मल्टीप्लाई करना है आपको 750 फिफ्टी बाई फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करना है फोर से फिर 750 फिफ्टी बाई फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करना है फाइव से फिर 750 फिफ्टी बाई फिफ्टीन को आपको मल्टीप्लाई करना है सिक्स से ठीक है मतलब एक फिक्स नंबर है उसको आपको पहले फोर से मल्टीप्लाई करना है फिर फाइव से मल्टीप्लाई करना है फिर सिक्स से मल्टीप्लाई करना है अनफॉर्चुनेटली छोटा वाला कैलकुलेटर भी नहीं है नहीं तो मैं आपको यहीं पर कैमरा में करके दिखा देता बट कोई बात नहीं मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूं आप लोग बहुत आराम से उस ट्रिक को समझिएगा सुनिएगा ठीक है जैसे 750 फिफ्टी बाई फिफ्टीन आप लोगों ने एक बार कर लिया आप अपने कैलकुलेटर्स पे करो परिफ्टी बाई फिफ्टीन क्या आएगा 750 फिफ्टीन आपके कैलकुलेटर्स पे 50 आ जाएगा अब आप करो इन टू फोर इंटू फोर इज इक्वल टू टू हंड्रेड आया इंटू फोर इज इक्वल टू करने पर टू हंड्रेड आ जाएगा ठीक है इंटू फोर इज इक्वल टू करने पर टू हंड्रेड आ जाएगा ठीक है अब कुछ मत करो कुछ इंटू नहीं करना कुछ नहीं करना आप सिंपली प्रेस करो फाइव फिर इज इक्वल टू नो इंटू नथिंग सिंपली प्रेस करो फाइव इज इक्वल टू तो आपका टू फिफ्टी आ जाएगा तो आपका यहां पर टू फिफ्टी आ जाएगा ठीक है और फिर आप प्रेस करो सिक्स इज इक्वल टू सिंपली आप प्रेस करो सिक्स इज इक्वल टू सिक्स इज इक्वल टू जब आप वो करोगे तो आपका आंसर थ्री फिफ्टी आ जाएगा आपका आंसर थ्री फिफ्टी आ जाएगा ठीक है तो जब भी किसी एक पर्टिकुलर नंबर को आपको मल्टीपल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो व्हाट यू डू वो पर्टिकुलर नंबर पर आप आ गए ठीक है जैसे यहां पर एक पर्टिकुलर नंबर था 750 बाय 15 हमें इसी को 4 से मल्टीप्लाई करना है इसी को 5 से मल्टीप्लाई करना है इसी को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने क्या किया आप 750 बाय 15 कर लो पहले 50 आ गया अब एक बार करो बस into 4 is equal to इतना कर दिया अब दोबारा into 5 into 6 करने की जरूरत नहीं है सिंपली नही ठीक है सिंपली जब फाइव इज इक्वल टू सिक्स इज इक्वल टू करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे ठीक है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको कैलकुलेटर क्या करना है आपको कैलकुलेटर पर करना है आपको कैलकुलेटर पर करना है सेवन फिफ्टी डिवाइडेड बाई फिफ्टीन इज इक्वल टू ठीक है ये आएगा उसके बाद इंटू फोर इज इक्वल टू फिर फाइव इज इक्वल टू फिर सिक्स इज इक्वल टू ठीक है फिफ्टी बाई 15 क्यों किया क्योंकि हर फोर फाइव और सिक्स को हमें 750 750 से करना था हमने 750 by 15 कर लिया अब ये आ गया इसको हमने इंटू फोर इज इक्वल टू कर दिया आपका आंसर 200 आ जाएगा ठीक है अब आपको इसके बाद दोबारा इंटू नहीं प्रेस करना है आपको सिंपली करना है फाइव इज इक्वल टू तो ये टू फिफ्टी आ जाएगा फिर आपको करना है सिक्स इज इक्वल टू तो ये

ट्रिक ठीक है द पॉइंट अ थ्री फिफ्टी फिफ्टी 50 सिक्स विल भी थ्री 300 ऑब्वियसली दिस इज कॉमन सेंस अगर कोई इस पे अगर चिल्ला रहा था अभी यहां पर मैं जानबूझ के चैट बॉक्स देख नहीं रहा हूं क्योंकि कई सारे लोग परेशान होंगे यहां पर और uh, कई सारे लोग फालतू का हल्ला मचा रहे होंगे मुझे पता है बहुत सारे लोग अनेसेसरी हल्ला मचा रहे होंगे तो मैं जानबूझ के इसलिए चार्ट सेक्शन नहीं देख रहा था और अगर कोई इस पर रो रहा था कि नहीं सर थ्री हंड्रेड आ रहे थे थ्री हंड्रेड आ रहे थे थ्री हंड्रेड आ रहे थ्री फिफ्टी नहीं आ रहा है थ्री फिफ्टी नहीं आ रही तो भाई फिर मतलब नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम है यहां पर मैं आपको कैलकुलेटेड ट्रिक बता रहा हूँ ठीक है दैट वॉज माई मिस्टेक कि मैं फिफ्टी इंटू सिक्स को थ्री फिफ्टी कर रहा था दैट वॉज मिस्टेक ऑन माई पार्ट ठीक है बट देर वॉज नो प्रॉब्लम इम द कैलकुलेटेड ट्रिक ठीक आओ तो आई होप ये वाली चीज आप लोगों की क्लियर हो चुकी है अब हम लोग आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट पर उसका नाम है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ठीक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो देखो कल हम लोगों ने सीखा था कंटिन्यूस प्रोपोर्शन कल हमने क्या सीखा था कल हमने सीखा था कंटिन्यूस प्रोपोर्शन अभी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में क्या था कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी ये था कंटिन्यूस प्रोपोर्शन अगर मैं इसी को और खींच दूं कि ये हो जाएगा इज इक्वल टू सी बाई डी ये हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाई हो जाएगा इज इक्वल टू ई बाई एफ ए बाई बीज इको टू बी बाई सी सी बाई डीज इको टू डी बाई एफ अगर मैं इसको और ऐसे खींचता जाऊं ठीक है तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वेरी सिंपल बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ठीक अब देखो आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन पर यहां पर आपको सुनकर चीजों को मजा आएगा ठीक <coughs> है यहां पर आपको चीजों को सुनकर मजा आएगा आओ देखो लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन ठीक है सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो होती है इनवर्ट इनवर्टेंडो बड़े फनी फनी नाम है और यहां पर मुझे पता है हर बैच में एक चीज होती है वहां पर आप लोग इस वाले बैच में भी आप लोग कुछ ना कुछ वो बनाओगे जरूर ठीक है इस वाले बैच में भी आप बताओगे बनाओगे जरूर ठीक है आइए देखिए यहां पर अब हम लोगों को क्या करना है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपके पास इनवर्ट इनवर्टेंडो एंडो का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक रेशो है ए बाई बीवल टू सी बाई डी आपके पास प्रोपोर्शन है तो एंडो की प्रॉपर्टी लगाने से दिस विल बी बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी एंड दिस इज बेसिकली कॉमन सेंस ठीक है कि अगर आपने ये वाला रेशो इन्वर्ट कर दिया तो ये वाला रेशो भी इन्वर्ट हो जाएगा तो बी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी दिस इज कॉमन सेंस ठीक है मैं एग्जाम्पल भी ले सकता हूं मान लो एक मेरे पास रेशो है 2, और दूसरा रेशो है मेरे पास थ्री बाई ये दोनों बराबर एक दूसरे के ठीक है तो अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं टू बाई वन इज इक्वल टू सिक्स बाई थ्री टू टू हो जाएगा, जाएगा. ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है दिस इम्प्लाईज वॉट दिस इंप्लाइज बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई ईज बी बाई एजल टू डी बाई सी

No signal, that's sure. Yeah. I don't know, there's some problem. Just wait. ये आ गया वापस ठीक है चलो ऑल्टरनेटो के बारे में बात कर रहा था मैं मैं कह रहा था अगर आपके पास एक रेशो है ए बाई बी सी बाई डी ठीक है अगर आपके पास ये पासो है A B C D, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि या तो हम ए और डी की पोजिशन को इंटरचेंज कर ले अब A और डी की पोजिशन को इंटरचेंज करने से क्या होगा कि ए की जगह डी लिख देंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन बी ये हो जाएगा डी अपॉन बी और हम लोग यहां पर ए और डी की जगह पर ए लिख देंगे तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए ये हो जाएगा सी अपॉन एन एपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए क्या हो गया ये राइट right? तो एक तो ये चीज हो गई और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि हम बी और सी की पोजिशन को इंटरचेंज कर मतलब ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी तो इसमें हमने क्या किया A और डी की पोजिशन को इंटरचेंज किया और इस वाले में हमने क्या किया बी और सी की पोजिशन को इंटरचेंज कर दिया है ठीक है तो दोनों तरीके से आपका ये ऑल्टरनेटो वाली प्रॉपर्टी बार फिर से बता दे रहा हूं तो अल्टरनेटो में क्या होता है अगर आपके पास ए बाई बीवल टू सी बाई डी है तो आप ए और डी की पोजिशन को इंटरचेंज कर सकते हो तो ये क्या हो जाएगा डी बाई बीवल टू सी बाई ए इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बी और सी की पोजिशन को इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा इटव ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी ठीक है ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी चलो एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं तो अगर मान लो मेरे पास एक रेशियो है by is equal to by इसी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं तो मैंने पहले कहा कि मैं वन और सिक्स की पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकता हूं ठीक है मैं ए और डी की पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकता हूं तो ये हो जाएगा सिक्स बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई वन क्या ये ऑफकोर्स ये टू थ्री सिक्स हो जाएगा और आर एच एस में भी थ्री है सेटिसफाई हो गया या फिर मैं कह रहा हूं कि ये टू और थ्री की पोजीशंस को आप इंटरचेंज कर सकते हो तो ये क्या हो जाएगा वन बाई थ्री इज इक्वल टू टू बाई

नेक्स्ट आओ सॉरी <coughs> नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पोनेंडो अब कॉम्पोनेंडो क्या होता है देखो अगर आपके पास ए बाई बीवल टू सी बाई डी है अगर आपके पास ए बाई बी है तो कॉम्पोनेंडो पता है क्या कह रहा है ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी ठीक है ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी सॉरी ये कहता है कॉम्पोनेडो ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी राइट अब इसको प्रूफ के साथ देखते हैं तो अगर मान लो ये आपके पास वन बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई सिक्स ये है ठीक है तो वन प्लस टू अपॉन टू वन प्लस टू अपॉइन टू वन प्लस टू अपॉइंट टू एंड दिस विल इक्वल टू थ्री प्लस सिक्स अपॉन सिक्स थ्री प्लस सिक्स अपॉन सिक्स ट्राई करें तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी थ्री बाई टू

किसी निंजा टेक्निक की तरह लग रहा है है ना उसका कास्ट नेंडो होगा वाह श्रेया कह रही है हाय सर माय फर्स्ट टाइम ऑल राइट अकाउंट्स की वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक मिल सकती है अकाउंट्स के टीचर बताएंगे सैयद कैसी बातें कर रहे हो यार ठीक है अब तुम अकाउंट्स के टीचर के पास जाके ये तो नहीं कहोगे सर मैथ्स में ये प्रॉब्लम आ रही है या मैथ्स वाले मैथ्स की मेरे को ये चाहिए ठीक है तो आप मैथ्स के टीचर से अकाउंट्स के बारे में बात करो फिर अकाउंट्स के टीचर से मैथ्स के बारे में बात करोगे फिर दो टीचर्स कुछ कुछ और बोल देंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप किसी तीसरे टीचर के पास जाओगे वो आपको कुछ और बता देगा फिर आप और कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप कंफ्यूजन में घूमते रहोगे कुछ पढ़ाई नहीं हो पाएगी कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन चलता रहेगा ऐसे थोड़ी होता है डिंग साहिल लालबानी ये तो ऐसा लग रहा है झिंग 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 ऐसा तो लग रहा है ठीक है आप लास्ट में आप निश्चिन नहीं बोल रहे अभी बोलूंगा अभी बोलूंगा ठीक है नेंडो देखते ही पता चल जाएगा प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है यस बिल्कुल बिल्कुल सही कह आप बिल्कुल सही कह कह रही रही ठीक है आप हैं हैं आइए सर अब हम लोग आगे चलते और अभी भी किसी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड नाउ लेट्स मूव ऑन आगे वाली प्रॉपर्टी पर कॉम्पोनडो हो गया अब आओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिविडेंडो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है डिविडेंडो डिविडेंडो में क्या होता है डिविडेंडो इज लाइक ए बाई बी आपका डिविडेंडो कैसे प्रूव करते हैं अगर वन बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई सिक्स है तो यह क्या हो जाएगा डिविडेंडो के हिसाब से वन माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू थ्री माइनस सिक्स अपॉन सिक्स डिविडेंडो so, so, भी आपका हो गया है तो वॉट इज डिविडेंडो इफ ए बाई बी सी बाई डी देन ए माइनस बी अपॉन बी इज सी माइनस डी अपॉन डी राइट नेक्स्ट आता है आपके पास कॉम्पोनडो एंड डिविडेंडो तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे होता है कि अगर ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है दिस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी राइट अब एग्जांपल तो अगर ये हो जाएगा तो यह हो जाएगा थ्री अपॉन माइनस वन और ये क्या हो जाएगा नाइन अपॉन माइनस थ्री विच इज बेसिकली दिस ओनली थ्री अपॉन माइनस वन ठीक है तो कॉम्पर एंडो एंड डिविडेंडो भी इस तरह से हो गया है कि D, एक बार देता हूं जितनी भी लोगों ने प्रोपोर्शन की देखी है पानी पी लेता हूं आप लोग वीडियो को लाइक कर दो आप लोग दबा के वीडियो को लाइक कर दो ठीक है देखो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी इनवर्ट ठीक है इनवर्ट एंडो में क्या था कि इफ यू हैव ए बाई इक्वल टू सी बाई डी इसका मतलब होता था बी बाई इज इक्वल टू डी बाई सी ठीक उसके बाद हमने पढ़ी ऑल्टरनेडो ऑल्टर में क्या था कि इफ यू हैव ए बाई इक्वल टू सी बाई डी तो ऑल्टरनेडो में ए और डी के पोजिशन को चेंज कर देते थे तो ये हो जाता था डी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए या फिर बी और सी की पोजिशन को चेंज कर देते थे तो ये हो जाता था ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी ठीक है ऊपर वाला इन्वर्टेंडो नीचे वाला ऑल्टरेंडो फिर हमने पढ़ा कंपोनेंडो ठीक है कंपोनेंडो में क्या था कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी ठीक है B B D D. उसके बाद आता था आपका डिविडेंडो डिविडेंडो में क्या था कि अगर ए बाई बीवल टू सी बाई डी है तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी उसके बाद आता था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तो ये क्या था कि है तो इसका मतलब A B A B C D C D. ये हो जाता था आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ठीक है दिस वॉज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अब आती है आपके पास एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है एड ठीक है बस दो प्रॉपर्टीज बची हैं एडेंडो और सबो ठीक है तो इनवर्टेंडो ऑल्टरेंडो कॉम्पोनडो एंडो, डिविडेंडो कॉम्पोनडो एंड डिविडेंडो एड एंडो और सब्ट्राइंडो राइट तो ये बस दो प्रॉपर्टीज आपके पास और बची हैं उसके बाद फिर सबको समझ में आएगा और सब बोलेंगे निष्ठेंडो निष्ठेंडो निस्टेंडो 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 ठीक है तो ये हो जाएगा लेकिन याद रखना जब आप आपकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड लगाओगे तो वहां पर निस्टेंडो नहीं आएगा वहां पर निस्टे नहीं आएगा ठीक है तो वहां पर निस्टेंडो मत लगा देना नहीं तो कुछ भी नहीं होगा वो बोलेगा इनवैलिड ठीक है फिर ये मत बोलना सर आपने तो क्लास में निस्टेंडो बोला था हाँ, क्लास में मैंने निस्टेंडो नहीं बोला क्लास में तुम लोग निस्टेंडो बोल रहे हो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज जो पर एंडो 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 दिए हुई है ठीक है आइडेंडो में होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे रेशियो है ए बाई बी

सिमिलरली जो c बाई डी है c बाई डी है वो भी क्या होगा a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ सिमिलरली जो ये e बाई एफ है e बाई एफ है ये भी क्या होगा a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ ठीक है तो दिस इज आइडेंडो आइडेंडो कहता है

ये भी क्या होगा ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ इस तरह से आपका होते हुए चलेगा ठीक है एग्जाम्पल लेता हूं तो एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिया सपोज वन बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई सिक्स इज इक्वल टू फोर बाई एट ठीक है अब देखो वन बाई टू ये जो पहला रेशियो है दिस विल बी इक्वल टू वन प्लस थ्री प्लस फोर अपॉन टू प्लस सिक्स प्लस एट सिमिलरली ये जो दूसरा रेशियो है थ्री बाई सिक्स दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू वन प्लस टू प्लस एट सिमिलरलीस प्लस एट ठीक है plus 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 जो पहला रेशियो है वो भी सम ऑफ न्यूमिनेटर्स अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर्स के बराबर होगा जो दूसरा रेशियो है वो भी सम ऑफ न्यूमिनेटर्स अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर्स के बराबर होगा और जो तीसरा रेशो है वो भी सम ऑफ न्यूमिनेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर्स के बराबर होगा ठीक है तो यहां पर ये देखो इसको सॉल्व करें वन प्लस थ्री प्लस फोर टू प्लस एट प्लस प्लस तो टू प्लस एट इज इक्वल इज इक्वल टू डिडेड बाई एम आर सी टू क्या आया पॉइंट फाइव आया ठीक है मतलब ये जो आर एच एस है ये पॉइंट फाइव होगा सेम आर एच एस है तो ये भी पॉइंट फाइव होगा और ये सेम है तो ये भी क्या होगा ये पॉइंट फाइव ही होगा एल एच एस देखो वन बाई टू इज पॉइंट फाइव ठीक है थ्री बाई सिक्स इज ऑल्सो पॉइंट फाइव एंड फोर बाई एट इज ऑल्सो पॉइंट ठीक है तो द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंडो इज सैटिस्फाइंग ठीक है आइडेंडो वाली जो प्रॉपर्टी है वो सैटिस्फाई हो रही है क्लियरली सैटिस्फाई हो रही है कि तीन रेशियोज है तीनों बराबर है ठीक है अब ये कितने भी रेशियोज हो सब पे अप्लाई करेगा मान लो मैं ऐसे बोल ये होता ए बाई बीवल टू सी बाई डीवल टू एफ इज इक्वल टू जी बाई एच ठीक है तो ये चारों के चारों मतलब बाई एफ e और जी बाई एच ये चारों के चारों रेशियोज इक्वल टू वॉट समूमरेटर्स ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर्स बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच ठीक है तो जितने भी आपके पास ये रेशियोज होंगे एवरी रेशियो विल बी इक्वल टू द सम ऑफ न्यूमिनेटर्स अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर्स और ये आप लोगों ने यहां पर प्रूफ के साथ देख ही लिया है तो आइडेंटो वाली प्रॉपर्टी यही होती है आइडेंटो वाली प्रॉपर्टी है क्या आइडेंटो वाली प्रॉपर्टी ये हो गई कि अगर आपके पास ऐसा है ए बाई बी इज इक्ट सी बाई डी टू बाई एफ एंड सो ऑन देन ईच ऑफ दीज इक्वल टू दिस ए प्लस सी प्लस ई प्लस डॉट डॉट अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ प्लस डॉट डॉट ठीक है कि आपके पास अगर ये रेशो चले जा रहे हैं तो हर रेशियो इसके बराबर होगा सम ऑफ ऑल द न्यूमिनेटर्स अपॉन सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स राइट दिस मीन दैट ए बाई बी भी इसके बराबर होगा सी बाई डी भी इसके बराबर होगा और ई बाई एफ भी इसके बराबर हो जाएगा आई एम श्योर ये वाली बात भी आप सब समझ में आ गई बोलो बो बोलो साहिल कह रहे सर मैं नवलानी हूं अच्छा अनुरोध कह रहे सर एक सॉन्ग सुना दो अच्छा ठीक है

आप कर दीजिए वीडियो को लाइक मैं पी लेता हूं पानी फिर हम सब ट्रेंडो के बारे में अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं देखो अगर आपके पास तीन रेशो सपोज ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ तो हर रेशियो यानी ए बाई बी सी बाई डी और ई बाई एफ पता है किसके बराबर होगा ए माइनस सी माइनस ई अपॉन बी माइनस डी माइनस एफ ये भी ए माइनस सी माइनस ई अपॉन बी माइनस डी माइनस एफ ये भी ए माइनस सी माइनस ई अपॉन बी माइनस डी माइनस एफ ठीक है दिस इज सब ट्रांडो वेरी सिंपल तो इफ यू हैव वन बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई सिक्स इज इक्वल टू फोर बाई एट ट्राई करके देख लो वन बाई टू विल इक्वल टू वन माइनस थ्री माइनस फोर अपॉन टू माइनस सिक्स एट बस एडेंडो में पर है, बाकी सब कुछ अपॉन टू माइनस सिक्स माइनस एट सिमिलरली फोर बाई एट्सो बी इक्वल टू फोर बाई एट इक्वल टू वन माइनस थ्री माइनस फोर अपॉन टू माइनस सिक्स माइनस एट ठीक है टू माइनस सिक्स माइनस एट ठीक आइए

ठीक है सर तो सब ट्रेंडो भी आपका मैच करते हुए चल रहा है तो देखो इफ ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ प्लस इक्वल टू वॉट दिस ए माइनस सी माइनस ई माइनस डॉट डॉट सारे सारे न्यूमिनेटर्स का माइनस माइनस अपॉन सारे डिनोमिनेटर्स का माइनस माइनस ठीक है तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा एंड विद दिस वी कंप्लीट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन ठीक है अब बता दो मेरे को यहां पर बॉक्स में के सब समझ में आ गया बोलो ठीक है अब आप यहाँ पर बॉक्स में निस्टेंडो 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 कर दीजिए ठीक है बहुत बढ़िया मोदी जी निस्टेंडो निस्टेंडो निस्टेंटेंडो निस्टेंडो निडो ठीक बहुत बढ़िया क्या कह रहे सर जस्ट आपके लेक। रिकॉर्डेड लेक्चर देखने जा रहा था ब्लड रिलेशन का देखा आप लाइव हो तो आ गया फर्स्ट टाइम क्या बात है थैंक ठीक है सर आप मेरे हेलो, हेलो श्रेया प्रसाद हेलो कैसी हैं आप ठीक है थीके? आओ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने इफ एक्स बाई वाईकू टू जेड बाई डब्ल्यू एक्स वाई तो 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 हो clearly हो रहा है 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 ये ये ठीक रहे हैं दोनों ratios, तो ये हो है. so यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा नन दिस इज नाइदर डिविडेंडो नॉर कॉम्पोनेंडो कॉम्पोनडो नॉट नॉट ऑल्टर दिस इज बेसिकली इनवर्ट एंडो ठीक है तो ये प्रोसेस क्या होता है ये प्रोसेस हो जाता है इनवर ठीक है ये प्रोसेस हो जाता है इनवर्ट एंड नेक्स्ट इफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस इज इक्वल टू

ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इंप्लाइज ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी तो यह क्या हो जाएगा दिस इज कॉम्पोनेडो एंड डिबिडेंडो ठीक वेरी सिंपल दिस इज कॉम्पोनेडो एंड डिबिडेंडो आगे देखो इफ ए बाई फोर इज इक्वल टू बी बाई फाइव देन ए प्लस फोर अपॉन ए माइनस फोर इज बी माइनस फाइव अपन बी प्लस फाइव नहीं ऊपर नीचे दोनों यहां पर ऊपर में प्लस नीचे माइनस होना चाहिए था. Yes. ये हो जाएगा आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ठीक है आगे इफ यू बाई बीवल टू डब्ल्यू बाई पी यू बाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी देन यू माइनस वी अपॉन यू प्लस वी सॉरी यू प्लस वी प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी अपॉन डब्ल्यू प्लस पी ठीक है ये क्या होता है क्या ये इनवर्ट एंडो है नहीं क्या यह ऑल्टरनेडो है नहीं क्या ये कॉम्पोनेडो है नहीं क्या ये डिविडेंडो है नहीं क्या ये कॉम्पोनेडो एंड डिविडेंडो है नहीं कॉम्पोनेडो एंड डिविडेंडो में ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है दिस बेसिकली सीम्स लाइक द इनवर्ट एंडो ऑफ कॉम्पोनेडो एंड डिविडेंडो ठीक है ये तो ऐसा लग रहा है इनवर्ट एंडो ऑफ कॉम्पोरेंडो एंड बेसिकली ये डिविडेंडो एंड कॉम्पोनडो लग रहा है ठीक है लेकिन ना ये इनवर्ट एंडो है ना ये एंडो है ना ये एड एंडो है तो दिस विल बी नन ठीक है दिस विल बी नन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने द सम ऑफ द एजेस ऑफ थ्री पर्सन इज वन फिफ्टी ट्राई कर सकते हैं हम लोग बहुत आराम से देखो, कैसे करेंगे? पर हमें बताया कि तीन लोगों की जो है, सम है 150 years. तो देखो, अगर हम ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं तो फोर्टी फाइव फिफ्टी और फिफ्टी फाइव इनकी प्रेजेंट एजेस होंगी क्या फोर्टी फाइव फिफ्टी और फिफ्टी फाइव का समोटल फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी फाइव यह आगे आपका 150. ये आ आपका वन फिफ्टी ठीक है अब देखो आगे लिखा हुआ है कि टेन इयर्स अगो आज से दस साल पहले इनकी एजेस का जो रेशियो था वो था सेवन इज टू एट नाइन तो आज से दस साल पहले इसकी एज रही होगी थर्टी फाइव इसकी एज रही होगी फोर्टी और इसकी एज रही होगी फोर्टी फाइव ठीक है अब देखना ये है कि क्या थर्टी फाइव इज टू फोर्टी फाइव सेवन इज टू एट इज टू नाइन है

सेवन इज टू एट भी वही आया और थर्टी फाइव इज टू फोर्टी भी वही आया आगे आप देखो अब आप एट तो है अब आप इधर देखो कि क्या फोर्टी बाई फोर्टी फाइव भी पॉइंट एट रहा है देखो 40 फोर्टी 45 ये भी आपका point एटेटेड आ रहा है इसका मतलब 40 इज to 45 फाइव इज इन द रेश एट ठीक है तो 40, 55 और 55 ने क्वेश्चन की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है क्या कंडीशंस कि इनकी एजेस का जो सम है वो 150 है 150 आ गया ठीक है और आज से 10 साल पहले जब इनकी एजेस 35, 40 और 45 थी तो ये 10 साल पुरानी वाली जो एजेस है वो सेवन एस टू एट एस के रेशियो में भी है तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी और आंसर ठीक है तो इस तरह से आप

सेवेंटीन बाई नाइनटीन कितना पॉइंट एट नाइन हमें क्या चाहिए हमें पॉइंट सेवन फाइव चाहिए तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता है राइट right? फिर ऑप्शन सी पर आओ एटीन और ट्वेंटी फोर तो एटीन अपॉइंट ट्वेंटी फोर जब हम देखते हैं तो ये आ गया पॉइंट सेवन फाइव इसका मतलब ये हो गया कि एटीन और ट्वेंटी फोर फोर के रेशियो में तो है क्योंकि थ्री बाई फोर करने पर भी आ रहा है। और एटीन बाई ट्वेंटी फोर करने पर भी दोनों में सिक्स को एड कर दिया मतलब अगर एटीन में 6 को ऐड किया और ट्वेंटी फोर में 6 को ऐड किया तो द, रेश, त, नया रेशियो फोर बाई फाइव हो जाना है फोर बाई फाइव कैल्कुलेटर करोगे 0.8 आएगा ठीक है 4 बाई फाइव

कि 18 और 24 फोर थ्री टू फोर के रेशियो में हाँ है अब अगर दोनों में ही हमने सिक्स को एड किया तो रेशियो क्या बन गया रेशियो आपका फोर इू फाइव बन गया पॉइंट एट आ गया तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा आई एम श्योर सब समझ में आ गया ठीक है चलिए सर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने फाइव एक्स माइनस टू इसको होमवर्क में कर लेना ठीक है इस वाले क्वेश्चन में को आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं इस वाले क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ले, रख लेना ठीक है मैं आपको फटाफट से बता देता हूं अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अन अकेडमी की वेबसाइट पर आना होगा और अन अकेडमी की वेबसाइट पर आकर आपको अपना लॉग इन करना होगा सीए फाउंडेशन गोल सेलेक्ट करना होगा फिर आपको सब्सक्रिप्शन प्लान पर आना होगा फिर आपको यहां पर तीन ऑप्शन दिखेंगे आप गेट प्लस पर क्लिक कर सकते हो गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे यहां आप अपनी पसंद का टेन चूज करके मेरा कोड डाल सकते हो निश निश्चेन निश टेन अप्लाई कर दोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है जब आप यहां पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे तो फिर यहां पर आपके सामने इसको कॉम्बो में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा ठीक सो डू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस यू माई कोर्ड टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट वीडियो को लाइक कर देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा थैंक यू सो मच एवरीवान टेक केयर अपना ध्यान रखिए बाय बाय